Good afternoon, everyone. So I hope you all guys are ready for the class. Of course, I can see the students are very much waiting for the class and we are going to start now. तो जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं तो आज की क्लास में भी हम आगे कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को प्लस idioms को. जितने भी मैं वर्ड्स करा रहा हूँ मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर वर्ड आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है. एंड मैं ये चाहूंगा कि किसी भी वर्ड को जिसे कहते हैं ना इग्नोर करना, इग्नोर नहीं करना है. जब यही वर्ड्स आपके एग्जाम में आपकी आंखों के सामने आएगा ना तो अंदर से फील आनी शुरू हो जाएगी, यस मेरे को ये पता है. तो उसी लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप इसको अच्छे से समझिएगा. हाँ गौरव त्यागी जी, बिल्कुल. हाँ बेटा, आपसे बड़े तो मेरे बेटे हैं. ठीक है, तो मेरे ख्याल से इन इन क्वेश्चंस का कोई फायदा नहीं है. मेरे ख्याल से एज देखकर पता चल जाता है. तो एनीवे, आप प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए गौरव जी, तो बेटर रहेगा आपके लिए कि आप इन वर्ड्स की तरफ ध्यान दीजिए. तो एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. द वर्ड इज, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आइटनरी होती है. जैसे टूर होते हैं तो टूर पर जो लोग जाते हैं सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो वो आइटनरी प्रोवाइड करता है कि डे वन पे ये जगह दिखाई जाएगी, डे टू पे ये प्रोग्राम रहेगा, डे थ्री पे ये प्रोग्राम रहेगा. तो इन चीजों को हम आइटनरी कहते हैं. वहीं से एक वर्ड आ रहा है आपकी इंग्लिश में, आइटिनरेंट. तो यहां पर आइटिनरेंट का मतलब क्या हो गया, वो व्यक्ति जो जॉब के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है. ठीक है, जॉब के सिलसिले में, हु जर्नीज, यात्रा करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रेवल करते हैं. जैसे कि आप लोग देखते हैं जर्नलिस्ट लोग होते हैं, आज इस सिटी में कोई दे रहा है रिपोर्टिंग, फिर दूसरी सिटी में रिपोर्टिंग करने के लिए चला गया. या जो प्रीच करने वाले होते हैं, जो धर्म का उपदेश देने वाले होते हैं, तो ये प्रीच करने वाले व्यक्ति कभी इस सिटी में उपदेश देते हैं फिर दूसरी सिटी में चले जाते हैं. तो आइटिनरेंट जर्नलिस्ट, आइटिनरेंट प्रीचर, जैसे पंजाब है वहां के बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं किसके ऊपर आश्रित रहते हैं, आइटिनरेंट लेबर के ऊपर. जो लेबर कभी इस राज्य में काम करती है फिर पंजाब से मान लीजिए मध्य प्रदेश में चली गई वहां पर काम करने के लिए. तो अब आपको समझ में आ गया होगा आइटिनरेंट जो वर्ड है वो क्या शो कर रहा है, जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता रहता है. तो इज इट क्लियर प्लीज, फर्स्ट वर्ड, किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट वन. Now we have the second word, lapidist. अब देखिए बेटा ये lapidist कौन होता है, वही ये वो व्यक्ति होता है जो बहुत ही precious stones होते हैं, जो कीमती पत्थर होते हैं, ठीक है, जैसे हीरा, ठीक है, उनको तराशने वाला, उनको कट करने वाला. तो जो व्यक्ति precious stones को, ये stones लिखा हुआ है, stones होना चाहिए, precious stones को जो काटता है, ठीक है, उन लोगों को हम कहते हैं लैपिडिस्ट. तो इजी वर्ड है, मुश्किल नहीं लगेगा. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किस ऑफ लाइफ. अब यहां पर आप देख रहे हैं द वर्ड किस ऑफ लाइफ. किस ऑफ लाइफ का मतलब होता है कृत्रिम श्वास देना, किसी को माउथ टू माउथ जो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रेस्पिरेशन, श्वास देते हैं. आपने कई बार देखा होगा कि अगर मान लीजिए ऑक्सीजन कम है, कोई व्यक्ति वहां पर बेहोश हो गया, उसकी जान को बचाने के लिए माउथ टू माउथ जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है, उस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को बोलते हैं किस ऑफ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल अ टाइमली किस ऑफ लाइफ ब्रॉट हिम बैक टू लाइफ. उसको समय पर क्या मिल गया, समय पर उसको श्वास मिल गए, सांस मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई, इस वजह से वो वापस जिंदगी में आ गया. इज इट क्लियर सर? सर आई वुड लाइक टू बी वेरी प्लीज टू से माय नेम वंस. आदर्श जी आपका स्वागत है मेरी क्लास में, आपका नाम ले लिया, ठीक है. तो आप जीवन में खूब नाम कमाएं कि आपको जीवन में ये कहने की जरूरत ही ना पड़े कि आपका नाम लिया जाए, ठीक है. आई जस्ट विश डेट You do something whereby people know your name. Uh,
बेटा जी आप कह रहे हैं ग्रामर की क्लास को यूट्यूब पे करने के लिए, ये बेटा ये मेरे हाथ में नहीं है, आपको उनके सर से बात करनी होगी। ठीक है, मैं तो बेटा एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, वो मुझे इनवाइट करते हैं, मैं आके यहाँ पे टीच करता हूँ। इन सब चीज़ों के बारे में कमेंट करके मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है, तो बेटर रहेगा कि आप सर से, अंकित सर से बात करना। थैंक यू दीपक। तो कोशिश कीजिए जो वर्ड्स हम कर रहे हैं वो क्लियर हो जाए। तो आइटिनरेंट वर्ड क्लियर है सभी को, कि आइटिनरेंट में हमने देखा जो व्यक्ति जर्नी करता है एक जगह से दूसरी जगह। लैपिडिस्ट में वो व्यक्ति जो स्टोन्स को तराशता है, काटता है। और केस ऑफ लाइफ के अंदर हम क्या करते हैं, कृत्रिम श्वास देते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं। उसके बाद है नंबर फोर, लेट्स स्टार्ट विथ नंबर फोर। नंबर फोर में देखिए यहां पर आपको एक अच्छा वर्ड देखने को मिलेगा, द वर्ड इज डाइवर्टिंग। अब डाइवर्टिंग वर्ड के अंदर आपको ध्यान देना है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उनको लगता है डाइवर्ट हो जाना, डायरेक्शन का चेंज हो जाना। अगर मान लीजिए मैं एक मूवी देखकर आया, आपने पूछा सर मूवी कैसी लगी, मैं कहता हूं बेटा इट वॉज आ डाइवर्टिंग मूवी। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये मूवी मेरे को कहीं इधर से उधर ले जा रही थी। इट वॉज अ डाइवर्टिंग मूवी मीन्स इट वॉज एंटरटेनिंग एंड अम्यूजिंग, बहुत ही बढ़िया मूवी थी। तो प्लीज टेल मी, क्या आपको डाइवर्टिंग वर्ड क्लियर हुआ सभी को, एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम अम्यूजिंग, बढ़िया। चलिए अब ध्यान देंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर, नंबर फाइव, क्रीमाटोरियम, जहां पर अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है मृत्यु के बाद, जो शमशान में ले जाते हैं। तो शमशान की जो भूमि होती है उस ग्राउंड को, उस प्लेस को क्रीमाटोरियम कहा जाता है, वेयर डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड, जहां पे दाह संस्कार किया जाता है। तो आई सपोज आपको ये वर्ड क्रीमाटोरियम भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जी बेटा रहमान आपने ठीक लिखा, दैट मूवी वॉज डाइवर्टिंग। ओके, द मूवी वॉज डाइवर्टिंग, इट वॉज अम्यूजिंग एट द सेम टाइम इट वॉज एंटरटेनिंग। तो अच्छी बात है आप लोगों को वर्ड क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव नंबर सिक्स, दैट इज कास्केड। कास्केड, कास्केड मेरे को लगता है कि आप लोगों ने क्लास ट्वेल्थ में एक चैप्टर पढ़ा था डीप वाटर। आप में से किस किस ने पढ़ रखा है भाई, विलियम डगलस, जिसको पानी से बड़ा डर लगता था, किस किस ने आप में से पढ़ रखा है डीप वाटर क्लास ट्वेल्थ में? रहमान सेज मी, और कोई किसी बच्चे ने नहीं पढ़ रखा क्या डीप वाटर आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास में? ओके, यादव जी कह रहे हैं मैंने भी पढ़ा हुआ है, गौरव जी कह रहे हैं ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो आप लोगों ने उसमें देखा था कि जो विलियम डगलस था वो पानी के अंदर इंजॉय करना चाहता था, पर उसको पानी से डर लगता था। वो सबसे ज्यादा कहां पर जाके इंजॉय करना चाहता था, कास्केड्स में जाना चाहता था। तब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि कास्केड में क्या होता है, वाटरफॉल होता है, या ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स, जहां पर वाटर की गेम्स वगैरह होती हैं, वाटरफॉल या ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स। तो विलियम डगलस वहां जाके इंजॉय करना चाहता था। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि वर्ड्स आपने कहीं ना कहीं ये पढ़े होते हैं स्कूल लाइफ में, लेकिन उस समय हम इसको ध्यान नहीं देते हैं। सर जी अपना नंबर दे दो प्लीज। हाँ जरूर बेटा, जरूर दूंगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपको ये वर्ड्स जो होते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे पढ़े होते हैं, बट उस समय हम इग्नोर कर देते हैं। बट अब क्या है कि एग्जाम की तैयारी करें तो हमें हर वर्ड को एक बार फिर से गो थ्रू करना होगा, अच्छे से समझना होगा, ताकि ये वर्ड्स हमारे माइंड में रहें। चलिए नेक्स्ट वन, नंबर सेवन प्लीज। नंबर सेवन पे चांस की बात है, कल की क्लास में भी हमारे पास ये एक वर्ड आया था, ठीक है, तब मैं आपको बता रहा था ल्यूनेटिक एजाइलम, मैंने आपको बताया था पागलखाना, आपको याद आया जी, पागलखाने की मैंने इंग्लिश बताई थी ल्यूनेटिक एजाइलम, ठीक है। सिर्फ एजाइलम वर्ड अगर दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति शरण लेता है, रिफ्यूज लेता है, शरण लेता है सेफ्टी के वजह से, विदेश में जाकर किसी सरकार को जाके कहता है कि मेरे को अपनी कंट्री में जान का खतरा है, मुझे आप अपने देश में शरण दे दो, तो राजनीतिक जो शरण प्राप्त की जाती है डेट इज कॉल्ड एजाइलम, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं सलमान रश्दी का आपने नाम सुना होगा,
तो सलमान रश्दी जो है वो क्या कर रहा है, इज इन एजाइलम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसने कई समय से, काफी समय से यूके के अंदर एजाइलम ले रखा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एजाइलम का मतलब होता है राजनीतिक शरण लेना सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इज इट क्लियर? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं हिंदी बोलने की। यू गाइज अंडरस्टैंड दैट आई एम नेवर एवर गुड एट हिंदी लैंग्वेज, बट आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द मैक्सिमम। ठीक है, जितना पॉसिबल, जितना संभव हो सके, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको हर उस वर्ड को हिंदी में भी समझाने की। तो अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। विनी जी, फिर बता देता हूं एजाइलम का, एजाइलम का मतलब क्या होता है, राजनीतिक शरण, एक ऐसी जगह जहां पे लोग जाके क्या करते हैं, रिफ्यूज लेते हैं। ठीक है, सेफ्टी के वजह से, क्योंकि उन्हें खतरा होता है अपनी जान का, अपनी जान का खतरा है। मान लीजिए जिसका नाम मैंने लिया सलमान रश्दी का, उसने एक बुक लिखी, उस बुक को लेकर इतना हंगामा हुआ कि उसको जान से मारने की धमकी दी। तो उसने यूके की सरकार से कहा मुझे बचाओ, यूके की सरकार ने उसको अपने देश में शरण दे दी, प्रोटेक्शन दे दी। तो ऐसी राजनीतिक शरण जो ली जाती है, ठीक है, करण जोशी सेज योर लैंग्वेज इज रिमार्केबली अंडरस्टैंडेबल, थैंक यू करण, थैंक यू, द गाइज लाइक यू मेक मी कंफर्टेबल, आई मस्ट से गाइज लाइक यू मेक मी कंफर्टेबल, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, तो एजाइलम का अर्थ हो गया राजनीतिक शरण। नेक्स्ट वर्ड जो है ये टफ नहीं है, लेकिन ये टफ इसलिए होता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन को मैंने देखा है लोग बहुत ज्यादा गलत बोल देते हैं। अब आपको याद रखना है इस वर्ड को प्रोनाउंस करते वक्त, एसी ड्यूलस, द वर्ड इज नॉट ड्यूलस, डा नहीं है, डमरू वाला डा नहीं है, एसी ज्यूलस है, जा है ये, ये डी यू यहां पर क्या कार्य करेगा, ज का कार्य करेगा, एसी ज्यूलस। बोलिए, पहले आपको शब्द का उच्चारण करना आया, पहली बात तो ये होनी चाहिए कि इस शब्द का उच्चारण क्लियर कर ले। एसिजुअल्स, एसिजुअल्स का मतलब होता है अगर कोई चीज तीखी है या खट्टी है, शार्प है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने फ्रूट खाया, फ्रूट खाते खाते वो कहता है वेल द फ्रूट इज जूसी, फ्रूट में जूस बहुत है, फ्रूट जूसी तो है बट इट इज एसिजुअल्स, फ्रूट जूसी है लेकिन साथ के साथ इसके अंदर खट्टापन भी आ रहा है। बोलिए, क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए किसी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि सामने वाले को लगा कि नहीं यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ ज्यादा ही बोल दिया इसने, कुछ ज्यादा ही कह दिया इसने, तो हम क्या कहते हैं, हिज वर्ड्स या हिज रिमार्क्स वर एसिजुअल्स। तो आपने देखा कि हमने मैनर के लिए भी लगा दिया, तो आप लिख सकते हैं एसिजुअल्स, एसिजुअल्स रिमार्क्स, ऐसे शब्द जो तीखे होते हैं, एसिजुअल्स रिमार्क्स, जुलो से ज्यादा कह देना, बोल देना किसी को। ठीक है, आपका वाला कमेंट शो नहीं हो रहा सर, सिक्स क्वेश्चन रिपीट करें, सिक्स नंबर पे क्या था, छह नंबर पे बेटा मैंने यहां पर लिखा हुआ है कास्केड, कास्केड का मतलब हो गया वाटरफॉल, झरने, झरना या झरने, जहां पानी गिर रहा होता है वहां पे वाटर गेम्स वगैरह भी होती हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कास्केड, झरना। बोलिए, आप समझ में आ गया भाई? चलिए, नेक्स्ट नंबर, ऐसी ज्यूलस हमने कर लिया, नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ सिंड्रेला। मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों ने सिंड्रेला की कहानी पढ़ी होती है, सिंड्रेला, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा सताया जाता था उसकी बहनों के द्वारा, बड़ा ही उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। इवेंचुअली लास्ट में आखिरकार उसकी शादी एक राजकुमार से हुई, एक प्रिंस से हुई। तो एक कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसी चीज जिसको पहले इज्जत नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला उसको जो मिलना चाहिए था, और बाद में अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि उसको सम्मान मिल जाए, वैसी इज्जत मिल जाए जिसको वो डिजर्व करता है, डेट इज कॉल्ड सिंड्रेला। वहीं से ये शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ, अ पर्सन और थिंग
अ पर्सन और थिंग, थिंग के स्पेलिंग मैंने लिख दी है, ऑफ अनरेकग्नाइज्ड मेरिट, अनरेकग्नाइज्ड, जिसको पहचान नहीं मिली, जो पहचान मिलनी चाहिए थी शुरू में वो पहचान नहीं मिली, जो शुरू में रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जो शुरू में उसको सोसाइटी में ठीक है स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन बाद में जाकर मिला, तो दिस इज कॉल्ड सिंड्रेला। मान लीजिए एक टीम लगातार कोशिश कर रही है, ठीक है, लगातार टीम कोशिश कर रही है लेकिन वो कप नहीं जीत पा रही, बट इवेंचुअली एट लास्ट उस टीम ने मैच यानी पूरी सीरीज को जीतते हुए कप ले लिया, तो हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं दिल्ली डेयर डेविल्स बड़े टाइम से कोशिश कर रही है और मान लीजिए इन्होंने मैच को जीत ही लिया, लास्ट में कप जीत लिया, तो इवेंचुअली दिल्ली डेयर डेविल्स क्या हुए, केम आउट टू बी अ सिंड्रेला टीम, दैट वॉज नोन एज और दैट विल बी नोन एज सिंड्रेला टीम। बोलिए सभी को वर्ड क्लियर जी, एनी डाउट? इस समय मेरे ख्याल से जो जो यहां पर लगा हुआ है सामने ऐप से जो बच्चे इस समय हैं ठीक है क्लास में ऐप पे, तो आप में से किसी का कोई कमेंट कोई चीज पूछनी हो, प्रवीण जी, प्रवीण जी मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, थैंक यू। लक्ष्मी, गौतम, ठीक है, तो आप लोग दीपा शर्मा, ऑल द गाइज आर वर्किंग हार्ड, चलिए वेरी नाइस, आगे करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक सिंड्रेला तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट हो तो प्लीज लिख दीजिएगा। नंबर 10 इज वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, नंबर 10 पे इंपीरिकल, पहले तो ये ध्यान दे देना मैं ई ई ई प्रनाउंस कर रहा हूं, एम्पेरिकल, एम नहीं प्रनाउंस कर रहा, इंपीरिकल, इंपीरिकल, ये वो चीज है जो जिसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित है, अनुभव के ऊपर आधारित है, ठीक है, तो इंपीरिकल का मतलब हो गया बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जिसको जिस चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं या जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है, इंपीरिकल। अब मान लीजिए किसी ने एक दवा बनाई, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू व्हाट यू कॉल इट डॉक्टर्स, ओके, दे से दिस इज इंपीरिकली शोन दैट द मेडिसिन इज गोइंग टू वर्क, ये एक ऐसी दवा बनाई है जिसको ऑब्जर्व किया गया है, उसको एक्सपेरिमेंट करके भी देखा गया है और ये दवा अच्छी है, तो इंपीरिकल क्लियर हो गया। इंपीरिकल का मतलब जो चीज अनुभव के और एक्सपेरिमेंट के द्वारा साबित की जा चुकी है कि वो करेक्ट है, तो यहां तक हो गया नंबर 10। लेट्स स्टार्ट विथ 11। नंबर 11 पर हमारे पास एक वर्ड आ रहा है, ये देखिए ये बच्चों से गलती कहां पर हो जाती है, इस वजह से बच्चे फैटल वर्ड को बच्चों ने ज्यादातर पढ़ा होता है कि फैटल का मतलब होता है घातक, फैटल का मतलब क्या होता है घातक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डी ई ए डी एल वाई ए, डेडली, अ फैटल एक्सीडेंट टू प्लेस, एक घातक एक्सीडेंट हुआ, डेडली एक्सीडेंट हुआ जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, बोलिए इतना सभी को पता होता है ज्यादातर बच्चों को फैटल, यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है वो फैटल से संबंधित नहीं है, पहली बात ये फैटल नहीं है, ये फे वर्ड प्रोनाउंस होगा, फे फे एफ ई आई लिख दिया मैंने, फेटलिस्ट, ये फेटलिस्ट नहीं है, फेटलिस्ट, फे साउंड आएगी, तो इसका मतलब हो गया ये वर्ड कहां से आ रहा है, किस्मत से आ रहा है, फेट से आ रहा है, भाग्य से आ रहा है, फेट, किस्मत, भाग्य, लक, तो जो व्यक्ति केवल और केवल भाग्य में यकीन रखता है कि भाग्य में जो लिखा है वो मिल जाएगा, किस्मत में जो लिखा है वो मिल जाएगा, ठीक है, ये कुछ भी और चीज में यकीन नहीं करते हैं, केवल और केवल अपनी किस्मत में यकीन रखते हैं, तो वन हु बिलीव्स इन फेट। आई होप आपको फेटलिस्ट वर्ड भी सभी को क्लियर हुआ होगा, फेटलिस्ट, एनी डाउट गाइज, एनी वन? चलिए तो इस तरह से हमने कर लिया 11। नाउ वी हैव इज नंबर 12।
द वर्ल्ड इज आई क नो क्लास। आप देख सकते हैं मैंने इसको वर्ड को तोड़ कर लिख दिया है ताकि आप प्रनाउंस करते वक्त गलती ना करें। द वर्ड इज आइक्नोक्लास्ट, आइक्नोक्लास्ट। ये वो व्यक्ति होता है जो भी परंपराएं बनाई गई होती हैं समाज के अंदर, जो सिस्टम बने हुए होते हैं ये उनके खिलाफ जाता है, उनके विरुद्ध चला जाता है। खास तौर से यही व्यक्ति जो आइक्नोक्लास्ट होता है ये धर्म के अगेंस्ट चला जाता है, धर्म के अगेंस्ट। मान लीजिए अगर लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो ये मूर्तियों का खंडन करेगा, उनको तोड़ देगा, ठीक है, उन मूर्तियों का विनाश कर देगा। तो ये लोग जो होते हैं आइक्नोक्लास्ट क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं किस चीज को, ट्रेडिशंस को और इमेजेस को जो चला आ रहा है, ये उसमें यकीन नहीं करते हैं और खास तौर से धर्म के विरुद्ध चले जाना। तो कोई डाउट किसी को, अप टू 12 आप नोटिस कर सकते हैं। जब हमने पहली पहली इसकी क्लास ली थी तो सिर्फ हमारे पास 15 वर्ड्स हुए थे, और कल की क्लास देखो, परसों की क्लास देखो, तो हम लोग जो हैं लगभग 30 35 40 तक जाना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होता है कि एक बार अंडरस्टैंडिंग लेवल आपस में बनना शुरू हो जाए तो आपके वर्ड्स जो हैं तेजी से कवर होते चले जाएंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने 12 कर लिया है। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 13। नंबर 13 में आपको दिया गया है इम्पेरिशेबल, 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 जो चीज कभी, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो नष्ट नहीं हो सकती, दैट इज इम्पेरिशेबल। आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देख रखी होगी, टाइटैनिक, जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ था तो ये बड़े पूरे संसार में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी कि ये शिप कैसा है। उन्होंने अनाउंस किया था कि टाइटैनिक इज अनसिंकेबल एंड इम्पेरिशेबल। उन्होंने क्या अनाउंस किया था कि टाइटैनिक कैसा शिप बनाया है हम लोगों ने, अनसिंकेबल, एक ऐसा शिप जो कभी डूब नहीं सकता और जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, इम्पेरिशेबल। ये दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। मैंने टाइटैनिक के आगे लिख के दिखा दिया समझाने के लिए कि टाइटैनिक को क्या माना गया था, अनसिंकेबल, कि ये कभी नहीं डूबेगा और कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये तो एक आयरनी है, ये एक ऐसी विडंबना हुई कि वो अपनी पहली ही जर्नी में, ठीक है, समुंदर में डूब गया, ठीक है, और पूरी तरह से क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये वर्ड अब याद रह जाएगा कि इम्पेरिशेबल क्या होता है, दैट कांट बी डिस्ट्रॉयड। नंबर 14 प्लीज, नंबर 14, नंबर 14 में वर्ड लिखा हुआ है हमने MAG, मैग्नेट, मैग्नेट। अब ये वो वाला मैग्नेट नहीं है, यहां पर मैग्नेट का मतलब है वो व्यक्ति जो बहुत ही, ठीक है, शक्तिशाली है और उसकी इन्फ्लुएंस बहुत है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, यानी वो किसी को भी अपने प्रभाव के अंदर ले सकता है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो छोटे मोटे नेता वेता ऐसे लोग होते हैं वो उनको अपने अधीन कर लेते हैं अपने पैसे के बल पर, ठीक है। तो ऐसे लोग जो अगर हमें यूज करना हो तो हम क्या बोलेंगे, ही इज अ प्रॉपर्टी मैग्नेट, ही इज अ प्रॉपर्टी मैग्नेट। तो प्रॉपर्टी के अंदर बहुत बड़ा नाम है उसका भाई, उसके पास बहुत बड़ी बड़ी डीलिंग्स आती हैं और बहुत ही वो प्रभावशाली व्यक्ति है, उसकी पावर्स बहुत हैं, उसकी पहुंच बहुत ज्यादा है। चलिए, तो ये था आपका नंबर 14, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 15। अच्छा नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है न्यू, यहां पर न्यू के बाद देखिए MIS लिखा हुआ है, ये इसको मिस प्रनाउंस मत करना, जा प्रनाउंस करना, न्यूमिज्मेटिक। देखिए मैंने जा को, जेड को
दो बार्स के बीच में दे दिया ताकि इस वर्ड का उच्चारण भी आप अच्छे से कर पाए। ओके, न्यूमिज्मेटिक। न्यूमिज्मेटिक ये वो व्यक्ति होता है जो कलेक्शन करता है क्वाइंस को, क्वाइंस इकट्ठे करने वाला। अब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ क्वाइंस ही करे, वो रुपीस को भी कलेक्शन कर सकता है, नए नए रुपए जो आते हैं, ठीक है, तरह तरह के जो कलर्स चेंज होते हैं सरकारों के नोट्स के, तो वो उनको भी कलेक्ट करता है, ठीक है, उनको बेचने का काम भी कर सकता है, खरीदने का भी काम कर सकता है। तो एनीवे, सिंपल भाषा में न्यूमिज्मेटिक का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसका शौक होता है क्वाइंस को इकट्ठा करना। जैसे कई लोग होते हैं स्टैम्प्स इकट्ठा करते थे, उसे फिलैटली बोलते हैं। तो ऐसे बड़े सारे वर्ड्स हैं, फिलहाल के लिए न्यूमिज्मेटिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नंबर 16, नंबर 16 को देखना ध्यान से, क्योंकि कॉस्टिक ये वो व्यक्ति होता है जो अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्ट है। आशावादी तो है, आशावादी होना बहुत अच्छी बात होती है, बट जरूरत से ज्यादा आशावादी हो जाना यानी कि वो नेगेटिव हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि आशावादी होना, ऑप्टिमिस्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाना, ठीक है, तो वो जो है मेरे ख्याल से लागू नहीं होना चाहिए। तो अनरियलिस्टिकली, रियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्ट नहीं है, अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्ट है। तो एग्जॉटिक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए, जैसे मैं कहता हूं कि वेल योर इंटेंशंस आर नॉट बैड, आपकी इंटेंशंस, आपका इरादा गलत नहीं है, बट आई फाइंड योर प्रपोजल इज क्विक्सोटिक, आपका जो प्रपोजल है कैसा है, अनरियलिस्टिक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। नंबर 17 पे रीक, ये वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा, आर डबल ई के, रीक। रीक का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल। खास तौर से रीक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है टोबैको की स्मेल के लिए, ठीक है, टोबैको की जो स्मेल होती है, सिगरेट पीते हैं उसकी जो स्मेल आती है टोबैको की, ठीक है, तो टोबैको की स्मेल को हम क्या कहेंगे, रीक ऑफ टोबैको। अनियन की जो स्मेल होती है, रीक ऑफ अनियन। गार्लिक, ठीक है, तो ये क्या है, ये वो खास वर्ड्स मैंने लिख दिए जिनकी स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो ऐसी स्ट्रांग स्मेल के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, रीक। वेल आई डोंट लाइक द रीक ऑफ गार्लिक एट ऑल, मुझे गार्लिक की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द रीक ऑफ टोबैको। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज रीक वर्ड। नेक्स्ट, नंबर 18 प्लीज। नंबर 18 पे वर्ड हमें गिवन है सेवंट। अगर इसको साधारण तरीके से देखें तो सेवंट का मतलब हो गया ज्ञानी, ज्ञानी जिसके पास ज्ञान का भंडार है, बहुत ज्यादा भंडार है ज्ञान का। लेकिन ये थोड़ा बीमारी के रूप में भी यूज किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग दूसरा भी है कि सेवंट वर्ड का हम प्रयोग कर सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति हु नोज, एस लगा दिया मैंने यहां पर, हु नोज अ लॉट अबाउट अ सब्जेक्ट, जो किसी एक विषय के ऊपर बहुत ज्यादा ज्ञान रखता है, जो किसी एक विषय पे बहुत ज्यादा ज्ञान रखता है, डेट इज कॉल्ड सेवेंट। ओके, बट हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा सेवेंट का प्रयोग एक बीमारी के रूप में भी होता है, कि ये वो व्यक्ति होता है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज में तो बहुत ही निपुण होता है, लेकिन साधारण जीवन में उसका माइंड और चीजों में कार्य नहीं करता है, ठीक है, तो ये एक मेडिकल टर्म भी यूज होती है। तो ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। नंबर 19, वेरी 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 इंटरेस्टिंग वर्ड। नंबर 19 लिखा हुआ है स्लीपिंग पुलिसमैन। अब इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि सोया हुआ पुलिस वाला व्यक्ति, ठीक है, बिल्कुल नहीं।
सड़कों पे आपने देखा होगा कि स्पीड को कम करने के लिए, स्पीड को तोड़ने के लिए ब्रेकर बनाए जाते हैं, स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है, बम्प बनाया जाता है ताकि स्पीड स्लो हो जाए। उस बम्प को, उस स्पीड ब्रेकर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लीपिंग पुलिसमैन। एज सून एज द ड्राइवर सॉ द पुलिसमैन, तो मतलब क्या निकला? जैसे ही ड्राइवर ने पुलिस वाले को देखा, अगर कोई व्यक्ति कहता है एज सून एज द ड्राइवर सॉ द स्लीपिंग पुलिसमैन ही रिड्यूस द स्पीड, जैसे ही ड्राइवर ने सड़क पर एक ब्रेकर को देखा तो उसने अपनी स्पीड को धीमा कर दिया। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्लीपिंग पुलिसमैन का मतलब होता है बम्प जो बनाया गया होता है सड़कों पे अक्रॉस अ रोड, किसी सड़क पे कोई स्पीड ब्रेकर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन नंबर 20 आज का, 20 में है एडमोनिस्ट। इस वर्ड को हमने किया था, इस वर्ड को हमने किया था इफ आई रिमेंबर राइट, एडमोनिस्ट। आप लोगों को मैंने एक वर्ड करवाया था डायबोलिस्ट, याद आया आपको, जब मैंने उसके साथ ए लगवा दिया था। और ये मैंने आपको बताया था कि डायबोलिस्ट जो है, आप लोगों ने नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पोयम थी निज़िम इज़ाइकिल की, उसमें पढ़ा था आप लोगों ने डायबोलिस्ट, जो बिच्छू जो होता है कैसे वो डंक मारता है, डायबोलिस्ट। तो जो लोग डायबोलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? प्रेत आत्माओं की पूजा करते हैं। एडियाबोलिस्ट जो बुराइयों का, या ऐसी जो लोग यकीन करते हैं कि डेविल होता है, शैतान होता है, बुरी आत्माएं होती हैं, जो इन चीज़ों में यकीन नहीं रखते हैं वो एडियाबोलिस्ट होते हैं। तो ठीक वही वर्ड है ये, एडमोनिस्ट हु डिनाइज एग्जिस्टेंस ऑफ डेविल, जो कहता है कि डेविल का कभी अस्तित्व ही नहीं होता है, डेविल नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो एनी डाउट गाइस, अप टू 20, एनी डाउट? एक बार इनको रिपीट कर लीजिएगा क्लास के बाद, रिपीट करेंगे फिर भी कोई दिक्कत आती है तो नेचुरली आपके पास डिक्शनरी है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। फिर भी कुछ पूछना चाहें तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे का कोर्स आज का शुरू कर रहे हैं ईडियम्स के ऊपर, बहुत बढ़िया ईडियम्स हैं आपके एग्जाम के लिए, एक से एक बढ़कर चुनिंदा ईडियम्स करवा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में इनका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, ताकि आप कह सकें कि यस हमें ऑलरेडी ये ईडियम का अर्थ मालूम है। जैसे कि स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर मतलब क्या हो गया? फ्रेंकली, भाई मेरे को इधर उधर की बातें बनाकर बातें बतानी नहीं आती हैं, मैं कहता हूं कि भाई व्हाटएवर आई स्पीक आई स्पीक स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, जो भी मैं बोलता हूं फ्रेंकली बोलता हूं। व्हाटएवर ही सेज, ओके ही सेज स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, जो भी वो कहता है फ्रेंकली कहता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर का मतलब फ्रेंकली। नेक्स्ट, कुक Someone's goose, goose एक बर्ड होता है, जैसे हैन होती है, मुर्गी होती है, वैसे ही गूज होती है। तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी की हैन को मार दिया, उस बेचारे के पास एक ही हैन थी, उसी के अंडे से वो अपना जीवन जी रहा था, और किसी ने उसको मार दिया, तो क्या किया उसको? उसने तबाह कर दिया, रुइन कर दिया किसी को, ठीक है, तबाह कर देना। तो अगर आप किसी की गूज को पका के खा जाओ, कुक कर लो खा जाओ, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? तबाह कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। जैसे मैं कहता हूं वेल बडी स्टॉप द आइडिया, स्टॉप द आइडिया ऑफ कुकिंग हिज गूज, अरे उसको बर्बाद करने का आइडिया ड्रॉप कर दो, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। आप सोच रहे हो कि आप उसको बर्बाद करके ही छोड़ोगे, रहने दो यार, मत करो ऐसा,
मत करो। तो मैं अपने उस किसी व्यक्ति को समझा रहा हूं कि वेल स्टॉप द आइडिया ऑफ कुकिंग हिज गूज, उसको तबाह मत करो। नेक्स्ट नंबर 3, रॉक द बोट। भाई अगर कोई व्यक्ति बोट पे बैठा हुआ है और बोट को जोर जोर से हिला रहा है, तो बोट को जोर जोर से हिलाएगा वो पलट सकती है, तो नुकसान हो जाएगा। तो मींस वो व्यक्ति क्या कर रहा है, जो रॉक कर रहा है, बोट को हिला रहा है, वो ट्रबल क्रिएट कर रहा है, टू कॉज ट्रबल, टू क्रिएट ट्रबल। ओके, सो माई एडवाइस इज टू समवन, स्टॉप रॉकिंग द बोट, अदरवाइज यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, समस्या उत्पन्न करना बंद कर दो, अदरवाइज परिणाम तुम्हीं को ही भुगतना पड़ेगा। स्टॉप रॉकिंग द बोट, ओके, स्टॉप कॉजिंग ट्रबल, मुसीबत क्रिएट करना छोड़ दो। नेक्स्ट, हैव बैट्स इन वंस बेल फ्री। ये फ्राई वर्ड जो लिखा हुआ है, इसे फ्राई प्रनाउंस मत करना, इसको प्रनाउंस क्या करना होगा, हाउ टू प्रनाउंस, फ्री, बेल फ्री। ठीक है, ये बेल फ्राई नहीं है, बेल फ्री। हैव बैट्स इन वंस बेल फ्री, बेल फ्री क्या होता है, चलो ये भी बता देता हूं। चर्च के ऊपर टॉप पे जहां पर बेल्स लगी होती है, चर्च में टॉप पे जहां पर बेल्स घंटियां लगी होती हैं, उस बिल्डिंग के उस हिस्से को बेल फ्री कहा जाता है। तो यहां पर कहा जा रहा है, हैव बैट्स इन वंस बेल फ्री का मतलब हो गया थोड़ा सा पागल हो जाना, स्लाइटली क्रेजी, स्लाइटली क्रेजी। आई थिंक ही हैज बैट्स इन हिज बेल फ्री, आई थिंक ही हैज बैट्स इन हिज बेल फ्री। वट इज द मीनिंग नाउ, कि मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा क्रेजी हो गया है, थोड़ा सा पागल हो गया है। कोई डाउट प्लीज? ओके, ये था नंबर 4। नंबर 5 प्लीज, गो अंडर द नाइफ। वट इज द मीनिंग, गो अंडर द नाइफ। अब ये नहीं है कि कोई चाकू के नीचे है, गो अंडर द नाइफ, गो अंडर द नाइफ का मतलब हो गया कि अगर कोई व्यक्ति सर्जिकल ऑपरेशन करवाने जा रहा है, तो ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर क्या करेगा, नाइफ का इस्तेमाल करेगा, काटेगा, फिर ऑपरेशन करेगा। तो यहां पर आपको मीनिंग क्लियर हो गया, गो अंडर द नाइफ का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन करवाना, टू हैव सर्जिकल ऑपरेशन। सो ही इज गोइंग अंडर द नाइफ टुमारो, ही इज गोइंग अंडर द नाइफ टुमारो। तो व्हाट इज द मीनिंग जी, तो कल उसका ऑपरेशन होने जा रहा है। पीडीएफ तो डेली मिलती है, दीपा शर्मा सेज इंग्लिश की पीडीएफ बहुत अच्छी मिलती है, थैंक यू एंड डन सर, पर मेरे फ़ोन में शो नहीं हो रहा। ओके, आप ऑलराइट, चलिए ठीक है। मैंने सोचा कि एक बार कमेंट्स अभी अभी आए हैं तो मैंने चेक कर लिया, तो देर इज़ नथिंग दैट इज़ बीइंग आस्क्ड। चलिए नंबर 6 वी हैव, हैव एग ऑन वंस फेस। भाई एक व्यक्ति भीड़ में खड़ा हुआ है लोगों के साथ, कहीं से अंडा आया और अंडा उसके फेस पे गिरा, अंडा आके सीधा उसके फेस पे, पूरे फेस पे अंडा अंडा, ठीक है, फैल गया। बेचारा क्या फील कर रहा है, एम्बेरस्ड फील कर रहा है, अपने आप को बड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। तो समझ आइए, अगर चेहरे पे एग लग गया तो वो व्यक्ति क्या हो गया, शर्मिंदा हो गया, टू बी एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस हो जाना। वेन हिज प्लान फेल्ड, जब उसका प्लान जो उसने बनाया था फेल हो गया, तो ही हैड एग ऑन हिज फेस, तो वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ, बहुत ज्यादा उसने शर्मिंदगी को महसूस किया। तो हैव एग ऑन वंस फेस में, कोई डाउट
या क्लियर है? एक बार ऐप पे मैं देख रहा हूं, जो बच्चे ऐप पे हैं उनका कोई डाउट प्लीज, कम ऑन गाइस, कम ऑन क्विक, एनीवन? नोप, ओके. नेक्स्ट नंबर 7, फॉल बाय द वे साइड. फॉल बाय द वे साइड, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार रेस होती है, ठीक है, रेस में कुछ लोग बिल्कुल जो पीछे रह जाते हैं वो बीच में ही छोड़ देते हैं, ठीक है, वहीं गिर जाते हैं, थक इतना जाते हैं कि उनसे आगे भागा ही नहीं जाता, थक जाते हैं. तो फॉल, गिर गए, कहां पर? रास्ते में ही, अर्थात मंजिल पर पहुंचने से पहले, ठीक है, गिव अप कर देना, छोड़ देना, टू गिव अप बिफोर द एंड. तो कहा यह जाता है कि कुछ भी हो जाए, नेवर फॉल बाय द वे साइड, ठीक है, रास्ते में ही दम नहीं तोड़ना है, समझ रहे हो ना, यानी रास्ते में ही घबराहट के मारे छोड़ नहीं देना है, मंजिल पहुंच के ही दम लेंगे. तो दिस इज कॉल्ड, ठीक है, कि हाउ वी यूज सच एक्सप्रेशंस. नंबर 8 प्लीज, बहुत अच्छा वर्ड है, वंस अगेन फ्रेज बहुत अच्छी है, पोक वंस स्नाउट, पोक वंस स्नाउट. देखिए भाई, हिंदी भाषा में हम कहते हैं मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ. हिंदी में टांग अड़ाई जाती है और इंग्लिश में स्नाउट या NOSE, नोज, नोज, नाक अड़ाना या स्नाउट, नोज का अपर पार्ट जो होता है, टिप ऑफ द नोज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्नाउट. यानी कि अगर मैं किसी को कहता हूं कि वेल डोंट पोक योर स्नाउट इन माई अफेयर्स, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, मैंने तेरे को बहुत बार कह रखा है कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाया कर, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स नॉट टू पोक योर नोज इन माई अफेयर्स, कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ. तो डोंट पोक योर नोज या डोंट पोक योर स्नाउट या डोंट पोक योर कॉन्क इन माई अफेयर्स, CONK, याद रखना, कॉन्क का मीनिंग भी नोज होता है, NOSE, ठीक है. तो जो एक्सप्रेशंस बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया, याद रखना, मैंने कॉन्क का सिर्फ मीनिंग आपको नोज बताया, अगर CONK कॉन्क के साथ आउट कर दें, कॉन्क आउट, तो इसका मतलब हो जाएगा खराब होना, खराब हो जाना. मशीन हैज कॉन्क्ड आउट, मशीन खराब हो गई है, मशीन हैज गॉन या मशीन हैज कॉन्क्ड आउट, एज अ वर्ब यूज कर दिया मैंने, तो प्लीज ध्यान रखिएगा. तो पोक वंस स्नाउट का मीनिंग क्लियर हो गया कि इंटरफेयर करना, टांग अड़ाना. नंबर नाइन, ये गलत लिखा हुआ है बेटा, मैंने इसको काट दिया, यहां पर लिख रहा हूं PAINT, पेंट करना, PAINT, पेंट. दोबारा फिर लिख देता हूं, पेंट द टाउन रेड. अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूं जाओ भाई शहर को लाल करके आ जाओ, पेंट करके आ जाओ लाल रंग का, यहां पर कहा जा रहा है कि जाओ और इंजॉय करो, ठीक है ना, जिंदगी रो रोज नहीं मिलती है, पर इसका मतलब यह थोड़ी है पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के चलो जी हम तो चले इंजॉय करने, जिंदगी रोज थोड़ी मिलती है, इंजॉय के टाइम इंजॉय कीजिए, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कीजिए, ताकि आने वाले जीवन में भी आपका इंजॉय बरकरार रहे, इसीलिए एजुकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस होती है. ऑलराइट, तो अब आपने देखा, पेंट द टाउन रेड मींस टू गो आउट, जाइए एंड इंजॉय, जाइए और इंजॉय कीजिए. दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड कर लिया, दे डिसाइडेड टू पेंट द टाउन रेड, अर्थात उन्होंने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया कि वो इंजॉय करेंगे. नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नंबर 10, नॉट फॉर ऑल द टी इन चाइना. किसी ने मेरे को कहा कि ये कार्य कर दो,
मैंने बोला नहीं, आई वॉन्ट डू इट, नहीं करूंगा, आई वॉन्ट डू इट, नॉट फॉर ऑल द टी इन चाइना, किसी भी कीमत पे नहीं करूंगा, जितनी मर्जी कीमत दे दो, नॉट नॉट एट एनी प्राइस, नॉट एट एनी प्राइस। बोलिए सभी को क्लियर हो रहा है, एनी डाउट प्लीज। ऑलराइट, नो नो कमेंट्स, तो इट मींस यू गाइस आर कैचिंग। तो नॉट फॉर ऑल थी इन चाइना, किसी भी कीमत पर नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, कि पूरे चाइना की चाय पत्ती दे दो मेरे को, अर्थात अरबों खरबों की चाय पत्ती हो गई तो पूरे चाइना की दे दो तो भी नहीं करूंगा। राइट, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा यहां तक क्लियर हो गया होगा। कल हम 11 नंबर से शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई हैव गिवन यू सो मैनी यू नो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड आई हैव ऑल्सो गिवन यू सम इम्पॉर्टेंट idioms। ऑलराइट, तो इन सभी को अच्छे से करके रखिएगा, खुश रहिए सभी लोग, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, बाय बाय।